वेलकम बैक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वही एनिमल का दूसरा है जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ मिल्क। जो हमने कंपोजिशन ऑफ मिल्क पढ़ा था उसमें कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो नंबर वन, सबसे पहले जो स्पीसीज होती हैं, मतलब कि नस्ल होती हैं, जो जिनको हिंदी में नस्ल बोलते हैं, तो जो स्पीसीज होती हैं, नस्ल होती हैं, वो अफेक्ट करती हैं मिल्कों को। कैसे करती हैं? जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया सिंधी गाय। क्या ले लिया हमने? सिंधी। तो सिंधी एक गाय की नस्ल है। सिंधी मैंने आपको और वीडियो में भी पढ़ाया है कि जो सिंधी नस्ल होती है, जिसने ना देखी हो तो पुरानी वीडियो को देख सकता है, कि जो सिंधी नस्ल होती है वो उसका जो फैट परसेंट होता है वो कितना है? 4.9। कितना है? 4.9% है। याद हो तो इसी को, अच्छे से पढ़ा होगा तभी तो याद होगा, पढ़ाई नहीं होगा तो नहीं याद होगा। तो 4.9% है सिंधी का। तो ये दूध को अफेक्ट करती है, क्योंकि बेसल फैट कितना होता है, अपन ने पढ़ा तो 4% होता है, लेकिन इसका तो ज़्यादा है, इसका तो 4.9% है। तो ऐसी जो कुछ चीज़ें होती हैं वो याद करनी पड़ती हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा कि जो सिंधी होती है उसका फैट परसेंट 4.9 होता है। अब एक होती है जर्सी। ये जर्सी, अब जर्सी भी गाय है लेकिन विदेशी है, ये एग्जोटिक है, और ये देसी है, मतलब कि इंडियन है। तो इंडियन में ये 4.9 था, ये देसी है। तो जर्सी में कितना फैट परसेंट होता है? 5.4 होता है। जबकि अपन ने मिल्क कंपोजिशन में कितना परसेंट पढ़ा था फैट? 4% पढ़ा था। तो यही तो है कि इनके ज्यादा क्यों है, क्यों? क्योंकि ये विदेशी है, तो जो नस्ल होती है उसमें फैक्टर अफेक्टिंग आते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा कि सिंधी में 4.9% फैट होता है और जो जर्सी होती है उसमें 5.4% फैट होता है, ठीक है। और एक होती है HF, होलस्टीन फ्रीजियन। ये भी एक गाय है, पर ये देसी है कि विदेशी है? तो ये भी विदेशी है, एक्सोटिक गाय है। तो इसका होता है 3.5। कितना होता है इसका? 3.5 होता है एग्जैक्टली। अगर ऑप्शन में 3.5 नहीं दिया है तो आप 3.4 लगा सकते हैं और उतना ही रहेगा, याद तो एक आंकड़ा कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये लोग ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कई बार, ये दोनों क्या है? एक्सोटिक है, और ये कौन सी है? इंडियन है। तो क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि बताइए विदेशी गाय की ऐसी वो कौन सी नस्ल है जिसमें फैट परसेंट लोवेस्ट है। अब उसने क्या बोल दिया कि फैट परसेंट लोवेस्ट है, तो लोवेस्ट किसका है भाई? HF का है। अगर उसने बोल दिया हाईएस्ट, डायरेक्टली बोल दिया कि एक्सोटिक, तो आप ये लगाओगे, और उसने देसी बोल दिया तो ये लगाओगे। समझ आ गई? तो ये थी अपनी नस्ल अफेक्ट करती है। एक बात याद रखना ब्रीड्स के बारे में कि जो गाय या भैंस है वो ज्यादा दूध दे रही है, मिल्क ज्यादा दे रही है, दूध ज्यादा दे रही है, तो फैट परसेंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, एक बात। और अगर फैट परसेंट ज्यादा है तो दूध कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये अपोजिट होता है, अगर दूध ज्यादा दे रही है गाय तो उसका फैट परसेंट कम होगा, और फैट परसेंट ज्यादा है तो दूध कम देगी। ये बात याद रख लो, एक तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक। दो फैक्टर हो गए, तीसरा क्या है? तीसरा है आप एक दिन में, मतलब कि आज एक दिन में आप 3 बार क्या करोगे? 3 बार मिल्किंग करोगे। आपने 3 बार मिल्किंग करी तो उससे क्या होगा कि जो मिल्क है बढ़ जाएगा। अगर आप 3 बार मिल्किंग करोगे तो दूध में इंक्रीजिंग बढ़ेगी। वैसे ज्यादातर तो 2 बार करनी चाहिए, 2 ही बार बेस्ट है, 2 ही बार होती है ज्यादातर, वैसे 3 बार भी करनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया होगा। और एक और फैक्टर होता है एक्सरसाइज, जानवरों को भी एक्सरसाइज कर, इनको भी एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ता है, तो एक्सरसाइज भी कंपोजिशन ऑफ मिल्क को अफेक्ट करती है। और दूसरा है एज ऑफ एनिमल, एनिमल की एज भी इफेक्ट करती है ये पॉइंट, ठीक है, एज भी इफेक्ट करती है, एक्सरसाइज भी इफेक्ट करती है, और सीजन भी इफेक्ट करती है।
सीजन, सीजन समझते हो मौसम। अगर रेनी सीजन है, कौन सा सीजन है? रेनी सीजन।